आप देखो तो किस तरह से गाड़ी इकट्ठी की है भाई, देख के ही डर लग रहा है भाई। जी ज्यादा है, गाड़ी साइड से निकालने लग गया था, इसको उस्ताद जी आगे। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस ब्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम बिंदास हूँ। एंड भाई आज काफ़ी टाइम के बाद भाई जो नालागढ़ में पंजेरा में अंबुजा का प्लांट है वहाँ आया हूँ, तकरीबन 2-3 साल बाद है ना। एंड भाई सुबह के 7:30 बज रहे हैं, एंड गाड़ी अनलोड करने के लिए नंबर आ चुका है, तो अभी चलता हूँ मैं आपको अंदर से भी प्लांट दिखाता हूँ। फिलहाल तो लाइन में लगा हूँ भाई, तो यहाँ से तो कुछ दिखेगा नहीं, तो अंदर चलते हैं फिर मैं आपको प्रॉपर प्लांट दिखाता हूँ। भाई ये सामने है वेट ब्रिज, एंड भाई यहाँ पे कोई गाड़ी धक्का स्टार्ट हो गई है भाई साहब। सुबह सुबह ही धक्का देने में ना कसरत हो गई यार, कसम से बंदे की गाड़ी ना कंडे पे धक्का स्टार्ट हो गई, और भाई फिर सबको धक्का देना पड़ा जितने उस्ताद अंदर आए हुए थे, पर फाइनली स्टार्ट तो हो गई बंदे की गाड़ी। पहले जब मैं लास्ट टाइम आया था तो ये वाला वेट ब्रिज चल रहा था, अब इधर को भी बन गया भाई, दो वेट ब्रिज इस तरफ को बन गए। सिस्टम भी काफी चेंज हो गया है, बाहर सिक्योरिटी वाला सिर्फ आपकी कॉपी और कार्ड चेक करता है, उसके बाद डायरेक्ट अंदर कंडे पे आते हैं। पहले ना बाहर भी एंट्री होती थी। एंड भाई सामने ना जाते वक्त दिखाऊंगा, उस तरफ को सीमेंट के पैकर है, यहाँ पे सीमेंट लोडिंग होती रहती है यहाँ पे, है ना। चलते हैं, पहले वेट करवा लेते हैं, फिर मैं आपको वो दिखाता हूँ। दोस्तों अंदर का तो भाई सिस्टम ही चेंज हो गया ना भाई, पहले बड़ी साफ सफाई होती थी इस प्लांट के अंदर, अब साफ सफाई के नाम पे सिर्फ धूल है, बाकी कुछ नहीं रहा है भाई, और सड़कें भी टूटी फूटी सी हो गई है। मैं आपको बताऊँ ना, जब से ना प्लांट अडानी ग्रुप ने लिया ना, तब से कॉम्पिटिशन ही खत्म हो गया, कॉम्पिटिशन रहा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से भी अंबुजा एसीसी दोनों चला है, वहाँ से भी अंबुजा एसीसी दोनों चला है, तो अब वो मजा ही नहीं रहा यार। और भाई जैक के पास गाड़ी भी कोई नहीं है, मेरे को लग रहा है मेरी ही गाड़ी लगेगी डायरेक्ट। एंड दोस्तों ये रहे पीछे जैक, और इस तरफ को भाई ये रहा प्लांट। जगह तो मस्त है लेकिन भाई क्या करें, धूल ही धूल है बाहर। तो भाई अनलोड करके तो निकल गया, मगर भाई बहुत ही घटिया काम है यार, वहाँ पे ना खिड़की नहीं है, दरवाजा नहीं है, बाहर अपना डाला खोलने के लिए ना वहीं पे सारा बेल्ट जैसी लटकी भी है, उससे धूल गिरती है बहुत ज़्यादा, सॉरी। एंड भाई अब सीधा वेट कराएंगे, डाला भाई अंदर लगाने नहीं देते, डाला भी बाहर लगाना पड़ेगा, किसी किसी कंपनी में ऐसा सिस्टम है, किसी किसी में नहीं है। चलते हैं भाई वेट करवाते हैं और उसके बाद डाला लगाते हैं बाहर, कहीं साइड में खड़े होके गाड़ी की बुरी हालत होगी भाई, डाले को पानी मारना पड़ेगा कहीं पर। पंजेरा से ना कुछ इस तरह की एंट्री है अंबुजा प्लांट के लिए, यहाँ से गाड़ी अंदर के लिए एंटर हो रही है, मैं भी यहीं से बाहर निकलूंगा और लेफ्ट साइड को हो जाऊंगा भाई। पीछे वाले बंदे को मेरे को लग रहा है जल्दबाजी ज़्यादा है, गाड़ी साइड से निकालने लग गया था, इसको उस्ताद जी आगे जाते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो दोस्तों स्वारघाट से जो रोड ना नालागढ़ बद्दी पिंजौर के लिए जाता है ना, उसकी हालत आप देखोगे ना भाई, है तो मतलब ठीक, मगर जो पीछे जैसे बरसात में ना नुकसान हुआ था भाई, उसका नुकसान देखो आप भाई, ये तो बिल्कुल ही बंद था ना, अभी कुछ टाइम पहले ही चला है ट्रक्स वगैरह के लिए, पहले तो कार लायक निकाला हुआ था, इन्होंने सिर्फ कार जा रही थी यहाँ से, देखो तो भाई गजब की जगह बनी है भाई। ये देखो भाई पॉइंट, देखो भाई पॉइंट किस तरह से गया है, देख रहे हो, रोड तो बचा ही नहीं है, रोड तो साइड में से निकाला है, बस चलता फिरता सही। वो देखो साइड में उस तरफ देखो, गाड़ी पूरी पूरी आ रही है भाई, हे भगवान मेरी गाड़ी पे धूल बैठ गई बहुत। तो दोस्तों पहुंच गया हूँ स्वारघाट, एंड भाई पहले ना स्वारघाट चौक पर इतना ट्रैफिक रहता था भाई ना, कसम से यहाँ से तो गाड़ी निकालनी मुश्किल होती थी, और अब भाई सन्नाटा पड़ा है, बिल्कुल ही सन नहीं हो रही है मुझसे, गाड़ियाँ हैं नहीं, देखो जो भी है लोकली गाड़ियाँ हैं, पहले भाई इतने ट्रक चलते थे यहाँ से बेहिसाब भाई, 4 लाइन के बाद ना बहुत फर्क पड़ गया है यार इन चीज़ों पर। और दोस्तों ये जो रोड ना स्वारघाट से कैंची मोड़ के लिए गया भाई, इसमें भी ट्रैफिक है नहीं, ट्रैफिक कहाँ से होगा भाई, इसमें गाड़ियाँ ना सिर्फ जैसे हम लोग नालागढ़ का चक्कर मारने जा रहे हैं वो आ रही है, बाकी मेरे हिसाब से जो लोकल है वो बाकी कुछ नहीं आ रहा यार भाई। पहले आपको याद होगा इस रोड में कितनी हलचल रहती थी भाई, ओवरटेक करना मुश्किल हो जाता था, मगर अभी बिल्कुल सुनसान भाई, कुछ नहीं आ रहा है, देखो तो मैंने ना इतना सुनसान ये रोड कभी नहीं देखा भाई। तो भाई अभी आपका भाई पहुंचा है कुछ ऐसी जगह, एंड भाई यहाँ पे गजब का एक्सीडेंट हुआ है भाई, देख रहे हो, पहले अपनी गाड़ी चेक करो आप, सामने लगी हुई सतलुज नदी के आसपास है ना, क्या कमाल लग रहा है। एंड भाई मैं एक्सीडेंट आपको दिखाता हूँ, देखो तो भाई कार ना पूरी तरह से इकट्ठी कर दी है, बंदे बोल रहे हैं कि खड़ी खड़ी गाड़ी में मारी हुई है भाई,
केटन हमारी कारो भी कुछ ऐसी है ना, देखो तो भाई साहब, देखो तो किस तरह से गाड़ी इकट्ठी की है भाई, देख के ही डर लग रहा है भाई, मेरे तो रूह कांप रही है इसका। तो ये वैसा सीन हुआ है जैसा हमारी गाड़ी के साथ हुआ था ना, कालों के साथ खड़ी खड़ी गाड़ी में मार दी थी, ये वैसा सीन है भाई, देख रहे हो। अरे भगवान, शुक्र है कोई अंदर नहीं था, नहीं तो भाई ख़त्म ही हो जाता सिस्टम। दोस्तों अक्षु बता रहा था कि भाई कार वाले ने ठोक दी है ट्रक में, खड़े ट्रक में मार दी थी, और भाई इसके अंदर ना एक दादी बैठे हुए थे, बहुत सीरियस है, उनको बिजली लेके हैं। भाई मैं सच में एक ही बात कहता हूँ कि इस रोड में ना आप जितना आराम से हो सके उतना आराम से चले यार, क्योंकि जान है तो जहान है। तो भाई दिन के 1 बजने लग गए, एंड भाई घर भी जाके आगे नहा भी आए, अब आज ना एक शादी है यार वो अटेंड करनी है, वहां जाना पड़ेगा, उसके बाद देखते हैं क्या सीन रहता है। भाई गाड़ी को पानी मारूंगा, थोड़ा गाड़ी का बुरा हाल हुआ है, कालू की भी वॉशिंग करूंगा, खुद ही कर लूंगा उसकी तो आज। एंड भाई ये पॉइंट नहीं ठीक हुआ भाई, इस बार सड़कों ने हिमाचल सरकार को ना बहुत तोड़ दिया यार, जो नई सरकार में ना सड़कों ने ही तोड़ा सड़कें, और जो भाई लोगों के नुकसान हुए ना, घर के और जो भी ज़्यादा नुकसान हुआ ना भाई, उन चीज़ों ने हिमाचल सरकार को बहुत तोड़ दिया यार, यही भुगतान होते होते रह जाएगा। तो भाई वैसे मूड था नहीं, लेकिन गाड़ी को भाई पानी मार लिया, वहाँ सामने लगी है, और ले जाऊँगा भाई दारला घाट के लिए। एंड भाई आ ही रहा था तो सोचा कालों के लिए पेट्रोल लेके चलता हूँ मैं ना, क्योंकि आता जाता अगर ले जाया करूँ ना तो ऐसा है पेट्रोल पंप पे जाने की दिक्कत नहीं रहती, वैसे भी गाड़ी लेके पेट्रोल पंप पे जाना होता ही है। तो चलते हैं, कालों की भी थोड़ी वॉशिंग करनी है, क्योंकि मुझे पहले आज शादी में जाना है, उसके बाद कल मेरे को चंडीगढ़ निकलना है किसी काम से। तो फिलहाल चलते हैं, पहले कालों की वॉशिंग कर लेते हैं, और ये जो पेट्रोल लाए हैं ये उसमें डाल लेते हैं, फिर देखते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो भाई दिन हो गया अगला, एंड भाई सुबह के बज रहे 11:30। भाई कल क्या हुआ था ना, कल मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई थी ना भाई, मरने लायक हालत हो गई थी। तो अभी सुबह रात को दवाई ली, इंजेक्शन लगवाया, फिर थोड़ा ओके हुआ, तो भी भाई बड़े टाइम से ना मंडोर देवता के मंदिर नहीं आया, तो आपको पता आना बहुत ज़रूरी है, तो आज आया हूँ भाई, बढ़िया दर्शन किए, और अभी आपको मैं चेक करवाता हूँ भाई, चेक करो प्लांट, मान सकते हो कितनी हाइट पे हूँ मैं, और अपनी कार देखो कहाँ लगी हुई है, वहाँ लगी है नीचे। तो अभी आज का प्लान क्या है, आज का प्लान पता नहीं है, बस आज का प्लान वैसे ये है कि आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैच है, वो देखेंगे। एंड भाई तभी भी डिली है, तो लेट्स सी क्या होता है, गाड़ी का नंबर देखते हैं कहाँ के लिए कटवाएंगे, अभी फिलहाल चलते हैं यहाँ से।